लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण में आज 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। शाम 6 बजे तक वोटिंग चलेगी। वहीं पश्चिम बंगाल की बैरकपुर सीट से भाजपा उम्मीदवार अर्जुन सिंह ने टीएमसी कैंडिडेट पार्थ भौमिक पर रुपए बांटने का आरोप लगाया है। उन्होंने चुनाव आयोग में शिकायत भी की है। इस फेज में राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल समेत 9 केंद्रीय मंत्रियों की साख दांव पर है। बरेली से वायनाड सांसद राहुल गांधी भी चुनाव लड़ रहे हैं। 2019 में इन सीटों पर सबसे ज्यादा भाजपा ने 32, शिवसेना ने 7, टीएमसी ने 4 सीटें जीती थी। कांग्रेस केवल यूपी की रायबरेली सीट जीत पाई थी, अन्य को 5 सीटें मिली थी। 8 राज्यों के 49 सीटों पर वोटिंग सुबह 7 बजे से जारी है। कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। 8 राज्यों के 49 सीटों पर वोटिंग हो रही है। आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से मतदान केंद्रों के बाहर लंबी लंबी कतारें देखी जा रही है। उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर वोटिंग हो रही है, तो वहीं महाराष्ट्र की 13, पश्चिम बंगाल की 7, ओडिशा और बिहार की 5-5 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। झारखंड की 3 सीटों पर, लद्दाख और जम्मू कश्मीर की बारामूला सीट पर वोटिंग हो रही है। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हमारे वरिष्ठ संवाददाता दुर्गेशन भटनागर। दुर्गेश, 49 सीटों पर वोटिंग शुरू हो गई है, सुबह 7 बजे से वोटिंग हो रही है, कई दिग्गजों की साख दांव पर है, क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए ये पांचवा चरण है और इसके अंदर 6 राज्य और 2 यूनाइटेड टेरिटरीज की जो है वो 49 सीटें, जैसा आपने बताया उस पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। देखिए 7 बजे से शुरू हुई थी, करीब 2.5 घंटे का समय जो है वो हो चुका है और शुरुआती दौर में कुछ जगहों पर जो है अच्छा रुझान देखने को मिला। और देखिए गर्मी का जो है वो मामला है, तो ऐसे में थोड़ा सा वोट परसेंटेज पे लगातार जो है जितना चाह रहा है इलेक्शन कमीशन उतना वोट परसेंटेज नहीं जो है वो बढ़ पा रहा है। देखिए गर्मी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इस वजह से भी जो है वो लोगों में थोड़ा कम है, लेकिन लगातार हम भी लगातार कहते आए हैं अपने चैनल के माध्यम से कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को घर से बाहर निकल के अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। देखिए ये जो पांचवा चरण है इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो अगर सीट कहें तो उत्तर प्रदेश की अमेठी और रायबरेली, ये 2 सीटें हैं क्योंकि ये गांधी परिवार की सीटें हैं। रायबरेली से तो खुद राहुल गांधी जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। अमेठी उनके साख का सवाल है, नाक का सवाल है, तो वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके अलावा महाराष्ट्र की मुंबई की जो सीटें हैं, अधिकतर सीटें उनके ऊपर चुनाव है, तो वैसे भी जो है वो सेलिब्रिटीज से रिलेटेड ये चुनाव हो जाता है। और जम्मू कश्मीर में क्योंकि उमर अब्दुल्ला जो कि पूर्व मुख्यमंत्री थे उनका जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो वो चुनाव मैदान में है, तो ये जो जम्मू कश्मीर की जो बारामूला सीट है वो भी जो है इंपॉर्टेंट हो जाती है। कि सुबह से ही लोगों में रुझान तो देखने को मिला है। अगर हम मुंबई की बात करें तो कई सेलिब्रिटीज ने जो है वहां पर हीरो हीरोइंस जो है उन्होंने जो है वोट कास्ट किया है और लोगों से अपील भी की है आशीष की लोग घरों से निकलें और जो है वो मतदान करें। देखिए ये जो है इसके अंदर अगर हम देखें इन 49 सीटों को तो करीब 39 सीटें जो है वो जनरल कैटेगरी से आ रही है इसके अंदर और 7 एससी की सीटें हैं और 3 जो है वो एसटी की सीटें हैं। तो ये एक बड़ा फैक्टर और सबसे बड़ी बात है कि पिछले अगर 2019 की बात करें आशीष तो इसके अंदर से 49 में से करीब 41 सीटों पर जो है बीजेपी यानी कि एनडीए जो है वो काबिज रहा था, तो ये कहना चाहिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ज्यादा से ज्यादा सीटें इनको जीतनी होगी इसके अंदर, क्योंकि 400 पार का अगर टारगेट लेके बीजेपी चल रही है तो ऐसे में क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें 49 में से करीब 41 सीटें जो है वो 2019 में जीती थी बीजेपी में, तो उसके साख का सवाल ज्यादा है। जी आशीष, बिल्कुल। इसके अलावा अगर बात करें जम्मू कश्मीर की बारामूला सीट पर भी वोटिंग हो रही है और जिस प्रकार से 370 हटाई गई और उसके बाद अब वोटिंग करने का मौका मिला है, वोटिंग करने लोग वहां पे निकल रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है? बिल्कुल, देखिए सुरक्षा में किसी भी तरीके की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाए, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि रिसेंटली चौथे चरण के चुनाव के बाद भी जो है वहां पर आतंकी हमला हुआ है, तो ऐसे में चुनाव आयोग जो है पूरी मुस्तैदी के साथ सारी चीजों को मॉनिटर कर रहा है, जहां पर
थोड़ी सी भी संभावना की स्थिति है तो वहां पर जो है डिप्लॉय की गई है, जो है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो है पार्टियों को वहां पर पहुंचाया गया है। तो ऐसे में सुरक्षा बल जो है पूरे मुस्तैदी के साथ जो है वो काम कर रहे हैं वहां पर। और देखिए बारामूला सीट जो है वो कश्मीरी पंडितों का भी इम्पोर्टेंट प्लेस है, करीब वहां वहां पर से जो है कश्मीरी पंडित जो है वो स्थापित हुए थे। तो अब जब वहां पर वो लोग जा रहे हैं तो ऐसे में अब क्या स्थिति रहने वाली है ये तो 4 तारीख को ही पता चलेगा, लेकिन जो चुनाव का जो माहौल है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। लोग जो है वो अब वोट करने के लिए जो है उत्साहित है। कारण ये है कि जो डेवलपमेंट और जो चीजें चेंज होती हुई नजर आई है उनको, उसके बाद से जो है उनमें एक उत्साह जो है वो देखने को मिला है। जी बिल्कुल। इसके अलावा अगर बात करें वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाने को लेकर, एक और जहां निर्वाचन आयोग एडी चोटी का जोर लगा रहा है, तो वहीं राजनीतिक दिग्गज भी, राजनेता भी अपील करते नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी ने वोटिंग शुरू होने से पहले 6:30 बजे ट्वीट किया है, लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में आज 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर वोटिंग होगी। इस चरण में सभी मतदाताओं से मेरा अनुरोध है कि वे अपना वोट जरूर डालें और मतदान का एक नया रिकॉर्ड बनाएं। महिलाओं और युवा वोटरों से उन्होंने विशेष अपील की है कि लोकतंत्र के इस महोत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। तो कहीं ना कहीं ये अपील की जा रही है सोशल मीडिया के जरिए, जो नेता हैं जिनके लाखों फॉलोअर्स हैं, तो ये भी एक प्रयास है कि लोग घरों से बाहर निकले, उनकी अपील का भी कोई असर होगा? बिल्कुल होगा, असर होगा। और आपको बता दें जो प्रधानमंत्री ने जो ट्वीट किया है, लोगों से अपील की है, वो केवल इंग्लिश या हिंदी में नहीं, उन्होंने क्षेत्रीय भाषाओं में भी उसका जो है वो ट्वीट किए हैं, ताकि जो लोकल लोग हैं, जैसे उड़ीसा में अगर बात हो रही है तो उड़िया में उन्होंने ट्वीट किया है इसी चीज को लेकर। तो अपील उनकी तरफ से एक जिम्मेदारी का जो है वो कहना चाहिए कि कदम है प्रधानमंत्री का। और उसके साथ साथ कई लोग जो है जो डिग्निटीज हैं, इवन फिल्म स्टार्स जो है उनके भी ट्विटर हैंडल हम थे, तो वो वहाँ वो लोग भी जो है अपील कर रहे हैं। पीएम मोदी ने 5 अलग-अलग भाषाओं में ट्वीट किया है, मतदान के साथ डाल रहे हैं। जी पीएम मोदी ने 5 अलग-अलग भाषाओं में ट्वीट किया, इंग्लिश, उड़िया, बांग्ला, मराठी, हिंदी, इन तमाम भाषाओं में, 5 भाषाओं में अपील की गई है ताकि वहां के लोग कनेक्ट हों और आसानी से उनका संदेश उन तक पहुंच पाए। बिल्कुल यही है। और चुनाव आयोग ने तो बहुत कोशिश की है, स्वीप गतिविधियां चलाई है, लगातार लोगों तक पहुंचने की कोशिश करी है, यूथ तक पहुंचने की कोशिश की है। इवन जो यूट्यूबर्स हैं, जो जो सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं, उन लोगों को भी अप्रोच किया गया है ताकि वो भी जो है वो लोगों को प्रोत्साहित करें, उत्साहित करें, ताकि वो घरों से निकल कर अपना मतदान करें। जी आशीष बिल्कुल, लगातार जिस प्रकार से पहले चरण में मतदान का प्रतिशत था वो चिंता का विषय था पार्टियों के लिए भी, निर्वाचन आयोग के लिए भी, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं ये इस बात को गंभीरता से लिया गया कि जागरूकता की कहीं कमी ना रह जाए, लोग घरों से बाहर निकले और इस प्रतिशत को बढ़ाया जाए। जी बिल्कुल, देखिए पहले फेज में जिस तरीके से माना जा रहा था कि करीब 70 के आसपास का आंकड़ा जो है वोटिंग परसेंटेज का रहने वाला होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और काफी उसमें डाउनफॉल आया और करीब करीब 8% का जो गिरावट देखी गई। तो उसके बाद से जो है चुनाव विभाग ने भी जो है वो अपनी जो कमर कस ली और उसके बाद जो है वो लोगों तक पहुंचने की कोशिश करते रहे। और जो गर्मी को लेकर जो परेशानी आई है लोगों को, शेड की परेशानी, पानी की परेशानी, आने जाने की कुछ परेशानी है, तो जो इन सारी चीजों के ऊपर भी काम किया गया, शेड लगाए गए हैं, नीचे कारपेट बिछाए गए हैं, पानी की व्यवस्था की गई है, बैठने के लिए कुर्सियों की व्यवस्था की गई है, वॉशरूम्स की जो है वो व्यवस्था की गई है। तो चुनाव विभाग ने भी जब मतदान केंद्र पर आने के बाद अगर कोई किसी भी तरीके की तकलीफ होती है तो वो तकलीफ ना हो, उन सारी चीजों को भी उन्होंने देखा और उसका प्रचार प्रसार भी किया है। चलिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे वरिष्ठ संवाददाता दुर्गेशन भटनागर, जिन्होंने बताया कि निर्वाचन विभाग ने भी तमाम इंतजाम किए हैं, माकूल व्यवस्थाएं की हैं ताकि मतदाताओं को परेशानी नहीं हो, घरों से बाहर निकलें और निर्भीक होकर मतदान करें।